गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास थर्ड की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 67 एंड 68 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ टॉपिक है द 7 पीस 10 ग्राम। तो 7 पीस 10 ग्राम में आपको यहाँ पे कुछ जैसा कि 10 ग्राम दिखाया गया है पर्पल कलर का, इसके 7 पीस कर दिए गए हैं। और यहाँ पे उसी से रिलेटेड देखो मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन है हियर इज द पिक्चर ऑफ 7 पीसेस 10 ग्राम। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है 7 10 ग्राम की, 7 पीस ऑफ 10 ग्राम। यू कैन कट आउट दीज पीस एंड पुट देम टुगेदर इन डिफरेंट वे टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स। आपको एक पर्पल कलर का ऐसे ही शेप ड्रॉ करके स्केल के द्वारा इसकी जो सेंटीमीटर में उसकी लेंथ मेजर कर लेना है। इस तरीके के स्क्वायर बनाओगे, पीस इस तरीके कट कर लोगे 7 पीसेस में, और फिर उससे अलग अलग तरीके आपको डिफरेंट शेप बनाने हैं। अब शेप कौन कौन से बनाने हैं मैं आपको अगले पेज में ले चलता हूँ, कौन से शेप बनाने हैं। देखिए ट्राई मेकिंग दिस शेप, आपको ट्राई करना है इस तरीके के शेप बनाने के लिए। जैसे ये पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके आपको शेप बनाने ट्राई करना है, ठीक है ना, ये वाली पिक्चर तरीके से। और फिर ये दूसरी पिक्चर है, इस तरह के आपको शेप बनाना है। क्या करोगे, पर्पल कलर का जो पेपर लोगे उसको इस तरह कट कर लोगे, इस छोटे इतने जैसे 7 पीसेस में जैसे कटा हुआ था अभी दिखाया था। फिर इस तरीके उसको रख के एक फिगर बनाने हैं, ठीक है ना, ये शेप बनाने हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ ट्राइंग मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीसेस रिटन हियर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जो शेप बनाने हैं यहाँ पे, जिस तरह के शेप आपको दिखाई दे रहे हैं पर्पल कलर में, वो शेप बनाने, लेकिन अब आपको वही पीस लेने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन मैं आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट वाला मैं स्टार्ट करता हूँ। यूज ओनली ट्राइंगल्स, पहला पहला वाला क्या है, यूज ओनली ट्राइंगल्स। आप जो सेब जो 7 पीसेस का 10 ग्राम था, आप उसमें से केवल ट्राइंगल्स लेंगे। देखिए कौन से ट्राइंगल्स ले सकते हैं, तो मैं ले चलता हूं। तो जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये कितने ट्राइंगल इसमें है, 1 2 3 4 5। ये 5 ट्राइंगल से सिर्फ यही 5 ट्राइंगल लेना है, ये 4 और 2 वाले ये ट्राइंगल नहीं है, क्या है, क्वाड्रिलेटर है। तो आपको ट्राइंगल से वो सिर्फ आप क्या वो शेप बनाना है, जैसे वो पिक्चर में दिखाया गया फर्स्ट वाले में। ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये बताया गया यूज पीसेस 1 2 3 एंड 5। आपको कौन कौन से पीस लेने हैं, पीस नंबर 1 पीस नंबर 2 एंड 3 एंड पीस नंबर 5 लेने हैं, और इस तरीके का आपको शेप बनाना है। इस तरीके का आपको शेप बनाना मीन्स एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है ना। कौन कौन से पीस लेने हैं, 1 2 3 एंड 5 लेने हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है यूज ओनली 2 ट्राइंगल्स, ठीक है ना। आपको सिर्फ 2 ट्राइंगल्स लेके आपको एक स्क्वायर बनाना है थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में यूज पीसेस 1 2 3 4 एंड 5, 1 से लेके 5 तक पीस, पांचों पीसेस लेने हैं जो 10 ग्राम के थे, उनसे फिर क्या एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। तो आपको कैसे उनको पुट करना, कैसे रखोगे इनको शेप को, मैं पिक्चर में दिखाऊंगा आपको कैसे इनको शेप को रख के बनाना है, ठीक है। तो मैं ले चलता हूँ, तो यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था यूज ओनली ट्राइंगल्स, तो पहला क्वेश्चन था यूज ओनली ट्राइंगल्स में आपको सिर्फ क्या लेने थे, ट्राइंगल लेने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला रखोगे 3 5 जो पीसेस यहाँ रख दोगे ऊपर, और बीच में क्या रखोगे 6 और 7। तो इस तरीके बनाओगे पहली फिगर, ठीक है ना, इस तरीके जो पीसेस रख के। ये 1 वाला यहाँ पे आएगा, 6 वाला यहाँ पे आएगा, और 7 वाला ये जैसे आया है, और 3 वाला यहाँ पे, और 5 वाला ट्राइंगल यहाँ पे आएगा। इस तरीके आपको रख के बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यूज पीसेस 1 2 3 एंड 5। तो आपको 1 2 3 एंड 5 पीसेस का यूज करके क्या रेक्टेंगल बनाना था, तो 1 वाला रखोगे, फिर 1 के लेफ्ट साइड में थर्ड इस तरीके रख दोगे, 2 को इस तरीके रखना है, और 5 को फिर साइड में सबसे लास्ट में रखोगे। ये तो इस तरीके बनाओगे
रेक्टेंगल। नेक्स्ट शेप यूज ओनली टू ट्रायंगल, आपको टू ट्रायंगल यूज करके क्या बनाना था, एक स्क्वायर बनाना था, तो सिक्स और सेवन लेके क्या बना दोगे, एक स्क्वायर बना दोगे। फिर शेप यूज पीसेस वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव लेके क्या बनाता है, एक स्क्वायर बनाना था, तो वन लोगे, ठीक, वन के ऊपर साइड में थ्री रखोगे, फिर ऊपर कॉर्नर में फोर, फिर यहाँ पे आपको टू रखना है और लास्ट में यहाँ पे फाइव रखना है। तो इस तरीके से आप इनको रख के एक यहाँ पे स्क्वायर बना सकते हैं। तो आपको पिक्चर में समझ में आ गया होगा क्या करना है। वो पर्पल कलर का आपको वैसे ही एक पेपर कटिंग कर लेनी है, फिर वो उनके वैसे ही पीसेस बना लेने हैं, ये एक से नहीं बना बना कई आपको कट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उनमें नंबर डाल लेना, नंबर डाल के आपको इसी तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं या पुट रख के उसकी फोटो ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कि हमने बनाया, ठीक है ना। तो आज की एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।